हेलो साथियों, नमस्कार। द यूनिक्वेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियांशु भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि जो गाय है ये कितनी परेशानी में है। इसकी एक आँख जो है इतनी खुल भी नहीं पा रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सूजन आ चुकी है। और हमने किस प्रकार इसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हमने इस डिसीज़ का डायग्नोसिस किया है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केस के बारे में। तो ये जो केस है ये इन्फेक्टियस केराटोकंजक्टिवाइटिस का है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि इसके जो आँख है उसमें पूरी तरफ लालिमा छाई है और बीच में जो है एक येल्लो कलर का स्पॉट देखने को मिल रहा है। क्लिनिकल एवेल्युएशन जो करते हैं उसमें हमने पाया कि ये मोरेक्सेल्ला बोविस का इन्फेक्शन था। मोरेक्सेल्ला बोविस जो रहता है वो एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, आँख में लोकलाइज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है। अब अगर हम ससेप्टिबिलिटी रेट की बात करें तो इसमें जो है जो यंग एनिमल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल रहते हैं। हालांकि ये जो डिसीज़ है होती हर एज ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन जो यंग एनिमल्स रहते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल रहते हैं। अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं तो आपको दिखाया मैंने कि इसमें कितनी ज़्यादा सूजन है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक साइन रहता है वो एडिमा और कंजेशन देखने को मिलता है। कंजेशन के चलते ही आपको जो ये रेडनेस देखने को मिलती है। एडिमा और कंजेशन के अलावा आपको इसमें हाइपरलैक्राइमेशन दिखेगा, मतलब आँख से बहुत ज़्यादा आंसू बहते हुए दिखेंगे। तो आंसू इनिशियली जो रहते हैं वो कैसे रहेंगे, वाटरी टाइप के रहते हैं, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन की बात की है मैंने कि इन्फ्लेमेशन जब सबसाइड हो जाएगा तो यही जो वाटरी जो लैक्राइमेशन है वो कैसा हो जाएगा, पुरुलेंट हो जाएगा। मतलब पुरुलेंट का मतलब पस जैसी कंसिस्टेंसी उसकी हो जाएगी। अब तीसरी अगर हम इसमें क्लिनिकल साइन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बार बार एनिमल पलक को झपकाता है, मतलब ब्लीप फेरो स्पास्म इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर एनिमल जो अगर मिल्किंग कर रहा है तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि हमने देखा है कि इसके सेंट बाजू बाजू में क्या है, रेड रेड कलर का स्पॉट देखने को मिल रहा है। बीच में आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, कॉर्नियल ओपेसिटी मिल रही है। तो ये जो कॉर्नियल ओपेसिटी है स्टार्टिंग में बहुत कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाती है तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है 2 वीक के समथिंग में कि ये पूरी आँख को कवर कर लेती है। तो अगर इस बीच में इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो एनिमल की जो पूरी की पूरी आँख है वो भी ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा पोर्शन है इसमें वो है इसका ट्रीटमेंट। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जनरली जो देना होता है वो हमको सबकंजक्टाइवल इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो वो अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो पेरेंटल एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में आप आई ड्रॉप्स जो रहते हैं वो आपको कंपलसरीली यूज़ करना है। आई ड्रॉप्स यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आँख की एनएस से रोज़ क्लीनिंग करनी है। ऐसे पिचकारी के फॉर्म में आँख पर एनएस स्प्रे करना है और उसी के साथ में उसको साफ़ करके उसके बाद में जो आई ड्रॉप्स आते हैं, बेसिकली इसमें जो आई ड्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं वो मेरे हिसाब से जो मैं यूज़ किया हूँ वो जेंटामाइसिन और स्टीरॉयड के साथ में जो कॉम्बिनेशन आता है, आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे से देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ में और भी एंटीबायोटिक्स रहती हैं इसमें जो बहुत अच्छा उपयोग में आ सकती हैं। आप जनरली जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो एंटीबायोटिक होती है, वीडियो भी बनाया है उसमें बताया भी है कि उसमें आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को एज अ आई ड्रॉप के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं, एंड्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको पेरेंटल जो एंटीबायोटिक्स रहती हैं, बेसिकली पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा सहायक रहती हैं। पेनिसिलिन के अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो मैंने आपको बताया, दिन में ये आपको 2 से 3 बार भी देना पड़ सकता है। इसी के साथ में आपको स्टीरॉयड का यूज़ करना है और साथ ही में आपको इसमें एट्रोपिन सल्फेट का जो आई ड्रॉप आता है वो भी आपको यूज़ करना पड़ता है। एट्रोपिन सल्फेट के साथ में अगर कोई लोकल एनेस्थेटिक भी उसमें ऐड होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जो ये पेन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है तो पेन को भी कम करेगा और इसके साथ में जो ब्लीप फेरो स्पाज्म है उसको भी एट्रोपिन सल्फेट और जो लोकल एनेस्थेटिक है वो दोनों मैनेज करते हैं। साथ ही में आपको एक सुटेबल एनएसआईडी यूज़ करना है। बेसिकली मैं फ्लुनिक्सिन मेग्लुमाइन जो रहता है मैं उसको प्रेफर करता हूँ और इसी का यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें अगर सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन लगा सकते हैं तो सबसे बेटर वे रहता है वो। तो 3 से 5 दिन के पेरेंट्रल और सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन लगाने के पश्चात और इसके साथ ही में आई ड्रॉप्स का यूज़ करने के बाद मुझे लगता है आपका केस मैनेज हो जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।